तो इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया। सुसाइड के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तारी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर युवती ने आत्मदाह का प्रयास किया था, इसके बाद इस युवती की मौत हो गई थी। इलाज के लिए युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और आपको बता दें, गोरखपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं ठाकुर। नूतन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनकी पत्नी है। नूतन जी, स्वागत है आपका भारत समाचार में। चलिए, हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, इस पूरे मामले पर अब कार्रवाई की गई है और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है और सुसाइड के लिए उकसाने के एक मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के बाहर युवती ने सुसाइड कर लिया था और एक युवक ने भी यहां पर सुसाइड का प्रयास किया था। दोनों को ही इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था, इसके बाद दोनों की ही इलाज के दौरान मौत हो गई थी। और गोरखपुर से चुनाव का भी ऐलान किया है ठाकुर ने, और कल गोरखपुर जाने का ठाकुर का कार्यक्रम था। इसके बाद आज अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया। अमिताभ ठाकुर एक मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और पुलिस ने सुसाइड के लिए उकसाने का उनके ऊपर आरोप लगाया है और इसी आरोप में गिरफ्तारी की गई है। अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है और इससे पहले उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया था और काफी दिनों से हाउस अरेस्ट उन्हें किया हुआ था। और यूपी पुलिस के दरोगा ने लिखाई है FIR, इस पूरे मामले पर FIR दर्ज करवाई गई थी और आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अमिताभ ठाकुर को आज गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, इससे पहले अमिताभ ठाकुर ने CM योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया था। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, आज अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है और सुसाइड के लिए उकसाने के मामले में उनकी गिरफ्तारी आज की गई है। इससे पहले आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के बाहर दो लोगों ने सुसाइड का प्रयास किया था, एक युवती और एक युवक द्वारा सुसाइड का प्रयास किया गया था, जिसमें वो 40% तक झुलस गए थे। इसके बाद इलाज के लिए दोनों को ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इलाज के दौरान दोनों की ही मौत हो गई। सबसे पहले एक युवक की मौत हुई थी और उसके बाद युवती ने भी दम तोड़ दिया था। इस पूरे मामले पर अब अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है और इससे पहले उन्हें हाउस अरेस्ट पर रखा गया था और आज ये गिरफ्तारी हो गई है। तो यूपी पुलिस के दरोगा ने इस पूरे मामले पर FIR दर्ज करवाई थी और अब ये कार्रवाई की गई है, जहां पर अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। ये कोई तरीका नहीं होता किसी से भी बात करने का। मुझे एफआईआर कॉपी दो, मैं नहीं जाऊंगा। ये इलीगल ट्रांजैक्शन है, साइन करवाते कहीं पे साइन करवाए। देखिए कारण बताइए, देखिए नहीं जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अब हो गया, ऐसे नहीं जाऊंगा। ये कोई तरीका नहीं होता किसी से भी बात करने का। मुझे FIR कॉपी दो, मैं से नहीं जाऊंगा। ये इलीगल ट्रांजैक्शन है, साइन करवाते कहीं पे साइन करवाए। देखिए कारण बताइए, देखिए नहीं जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। अनूप हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी के ऊपर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनूप, यहां पर एक पूर्व आईपीएस को गिरफ्तार किया गया है। साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे जबरदस्ती उन्हें खींचा गया है और आरोप भी यहां पर लगाया जा रहा है कि उन्हें FIR की कोई कॉपी नहीं दिखाई गई है और जबरन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है? देखिए, बिल्कुल, अमिताभ ठाकुर को अब गिरफ्तार करके हरियाणा कोतवाली लाया गया है और यहाँ पर इनको बस अंदर में जो है रखा गया है और अमिताभ ठाकुर लगातार अंदर से चल रहा है और वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया कर्मियों से उनकी बात नहीं कराई जा रही है। इसके अलावा कोई भी अधिकारी इनको जवाब नहीं दे रहा है कि आखिर किस वजह से, किन कारणों से जो उनको यहाँ पर लाया गया है, उनकी गिरफ्तारी की गई है। भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस फोर्स लगाई गई है। जो अमिताभ ठाकुर की पत्नी है नूतन ठाकुर, वो भी यहाँ पर पहुंची है, उनसे भी मिलने नहीं दिया जा रहा है अमिताभ ठाकुर को। लिहाजा वो भी आरोप लगा रही है कि ये जो कहीं ना कहीं जो है लोकतंत्र का जो है पूरी तरह से मजाक बनाया जा रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी की गई है, आखिर उनकी बात जो है पत्नी से क्यों नहीं कराई जा रही है। तो लिहाजा वो भी जो है यहाँ पर लगातार जो है अपनी बात कहने की कोशिश कर रही है। तो दूसरी तरफ अमिताभ ठाकुर को बंद कमरे में रखा गया है, अमिताभ ठाकुर अंदर से लगातार चिल्ला रहे हैं,
पुलिस कर्मियों से भी वो जो है नाराजगी जता रहे हैं, गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और वो बात करना चाहते हैं मीडिया कर्मियों से, जबकि मौके पे जो एसीपी हैं हजेगंज उनका यही कहना है कि मामले में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या मामला है, किस मामले में इनको लाया गया है, हालांकि वो अभी नहीं बता रहे। अनूप आप नजर आना कि आपसे अपडेट लेते हैं, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें आज अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पहले उनको हाउस अरेस्ट पर रखा गया था और सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक युवती द्वारा आत्मदाह का प्रयास किया गया था और इसी पूरे मामले में उकसाने के एक मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई है और गोरखपुर से चुनाव लड़ने का भी इनके द्वारा ऐलान कर दिया गया था और कल गोरखपुर भी ठाकुर जाने वाले थे, कल गोरखपुर का उनका कार्यक्रम था, उससे पहले ही आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और आज अमिताभ ठाकुर एक मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इससे पहले आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक युवती और एक युवक द्वारा सुसाइड का प्रयास किया गया था जिसमें ये दोनों ही 40% तक झुलस गए थे, जिसके बाद इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद इस युवक की पहले मौत हुई और उसके बाद युवती की भी मौत हो गई थी और इसी पूरे मामले में उकसाने के पूरे मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने के पूरे मामले में अमिताभ ठाकुर को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें इस मामले में इससे पहले उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया था और इसके बाद आज ये गिरफ्तारी की गई है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे आज यहाँ पर उन्हें जबरन गिरफ्तार किया गया है और अमिताभ ठाकुर यहाँ पर कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि ये कोई तरीका नहीं होता है गिरफ्तारी का और जबरदस्ती उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आपको बता दें इससे पहले अमिताभ ठाकुर द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और इसके बाद से ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं जिसके बाद सबसे पहले अमिताभ ठाकुर को हाउस अरेस्ट कर लिया गया और आज ये गिरफ्तारी कर ली गई है। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, लखनऊ की ये तस्वीरें हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से कहा गया है कि एक आत्महत्या के मामले में, आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जहां पर एक युवक और एक युवती द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के बाहर इन दोनों ने ही आत्महत्या का प्रयास किया था, खुद के ऊपर केरोसिन डाल करके आग लगा दी थी और इसी में वे लोग 40% तक झुलस गए थे। इसके बाद इन दोनों को ही इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था और इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। सबसे पहले युवक की मौत हुई और उसके बाद इस युवती की मौत हो गई है। इस पूरे मामले में युवती का यह आरोप है कि पूर्व सांसद द्वारा उनके साथ रेप किया गया और इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसी के चलते आहत होकर के इस युवती द्वारा सुसाइड का प्रयास किया गया। इस युवती ने सुसाइड कर लिया जिसके बाद इस युवती की मौत हो गई है। और अगर युवक की बात की जाए तो युवक ने आरोप लगाया था कि वो इस पूरे मामले का गवाह, उसके साथ मारपीट की गई थी और इसी से आहत होकर के, मारपीट से आहत होकर के इस युवक ने सुसाइड कर लिया था, इसके बाद इस युवक की मौत हो गई। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जहां पर आज गिरफ्तारी हो गई है, अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है सुसाइड के लिए उकसाने के मामले में, ये गिरफ्तारी आज की गई है। और आपको बता दें गोरखपुर से चुनाव लड़ने का भी अमिताभ ठाकुर ने ऐलान किया था, इससे पहले वो गोरखपुर जाने भी वाले थे जिसके बाद उनके घर के बाहर पुलिस का पहरा लगा दिया गया था, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया था और आज ये गिरफ्तारी की गई है। लखनऊ की ये तस्वीरें हैं, साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे हम यहां पर अमिताभ ठाकुर गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं, गाड़ी में घुसने से विरोध इसका कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जबरदस्ती उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि यह कोई तरीका नहीं होता गिरफ्तारी का, उन्हें कोई एफआईआर की कॉपी नहीं दिखाई गई है, लेकिन जबरदस्ती उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आपको बता दें कल अमिताभ ठाकुर गोरखपुर भी जाने वाले थे, उनका गोरखपुर में कार्यक्रम था और आज अमिताभ ठाकुर एक मामले में गिरफ्तार कर लिए गए, पूर्व मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया जहां पर पुलिस ने सुसाइड के लिए उकसाने का उनके ऊपर आरोप लगाया है। ये कोई तरीका नहीं होता है किसी से भी बात करने का। मुझे एफआईआर कॉपी दो, मैं से नहीं जाऊंगा, ये इलीगल ट्रांजैक्शन है, ये ना कारण के बारे में साइन करवाते हैं, कहीं पे साइन करवाए पुलिस, ये देखिए कारण बताइए, ये देखिए नहीं जाऊंगा मैं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, अब हो गया, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा।
ये कोई तरीका नहीं होता है किसी से भी बात करने का। मुझे एफआईआर कॉपी दो, मैसेज नहीं जाऊंगा। ये इलीगल ट्रांजैक्शन है, ये ना कारण करवाते हैं, साइन करवाते हैं, कहीं पे साइन करवाए। देखिए कारण बताइए, क्या किया? नहीं जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अब हो गया, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं, ऐसे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं नहीं नहीं। आप लोग एफआईआर की कॉपी क्यों? मैं नहीं जाऊंगा ऐसे। कौन सी बदतमीजी है आप? ये कोई तरीका नहीं होता है किसी से भी बात करने का। मुझे एफआईआर कॉपी दो, मैसेज नहीं जाऊंगा। ये इलीगल ट्रांजैक्शन है, ये ना कारण करवाते हैं, साइन करवाते हैं, कहीं पे साइन करवाए पुलिस। ये देखिए कारण बताइए, ये देखिए नहीं जाऊंगा मैं, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। अब हो गया, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं, नहीं जाऊंगा ऐसे। कौन सी बदतमीजी है आप? ये कोई तरीका नहीं होता है किसी से भी बात करने का। मुझे एफआईआर कॉपी दो, मैसेज नहीं जाऊंगा। ये इलीगल ट्रांजैक्शन है, ये ना कारण करवाते हैं, साइन करवाते हैं, कहीं पे साइन करवाए पुलिस। ये देखिए कारण बताइए, ये देखिए नहीं जाऊंगा मैं, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अब हो गया, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं, ऐसे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं नहीं नहीं। आप लोग एफआईआर की कॉपी क्यों? मैं नहीं जाऊंगा ऐसे। कौन सी बदतमीजी है आप? ये कोई तरीका नहीं होता है किसी से भी बात करने का।